बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं TS नॉलेज TV यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आपको दिखाया जा रहा है इंटरनेशनल फेस्टिवल 23। इसमें जो ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है, जो खूबसूरत बकरे होंगे उनका मुकाबला होगा। उनमें से पहले 6-7 बकरे जो हैं उनको मैक्सिमम से मिनिमम किया जाएगा, मतलब ज़्यादा जो बकरे उनमें से छांटी की जाएगी। फिर उसके बाद उनमें से सिर्फ 4 जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे। उन चारों में से फिर 3 जो पोजीशनें हैं वो अनाउंस होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये फैसलाबाद में इंटरनेशनल फेस्टिवल के तहत चौधरी अता मोहम्मद गुज्जर साहब की ज़ेर निगरानी ये शो आपके सामने हो रहा है जी। ये चूँकि रात में है इसलिए थोड़ा सा लाइट का या वीडियो का प्रॉब्लम है। ये जो आपको बकरा नज़र आ रहा है ये शेख वसीम साहब का है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और बड़ा हैवी बकरा। ये जो साथ में आपको नज़र आ रहा है ये फरख साहब का है, गुजरा वाले का। ये वाइट वाला भी शेख वसीम साहब का है। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ख़ुद भी देखना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स में हमें बताना भी है। ये फैसलाबाद में जो बकरा शो जिसमें खूबसूरती का मुकाबला हो रहा है, खूबसूरती में जो बकरे पोजीशन पे आएंगे उनको 5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। पहला इनाम 5 लाख, दूसरा 3 लाख और 2 लाख इनाम है। क्योंकि ये सारे बकरे जो हैं इन्होंने हिस्सा लिया है ब्यूटी कंपटीशन में। ये बकरा भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, बड़ी हाइट इसकी है, देखें इसकी पोजीशन बनती है। ये वाला भी बड़ा खूबसूरत है जो मक्खी चीना है, इसकी पोजीशन बनती है, इसकी पोजीशन बनती है। जो जज साहिबान है ये आपके सामने है, साद अकमल रस्सी साहब हैं, ये चेक कर रहे हैं जी, बकरों के पॉइंट्स देख रहे हैं, उनकी खूबसूरती को देखा जा रहा है। फैसला करना जारी बात है काफ़ी मुश्किल था और काफ़ी मुश्किल है भी, क्योंकि सारे जानवर जो हैं वो एक से एक बढ़ के है, एक से एक खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जानवर हैं, मालकों ने बड़ी शौक के साथ और बड़ी मेहनत के साथ तैयार किए हुए। अभी जो जजेस साहिबान हैं वो देख रहे हैं कि किन किन बकरों को निकालना है और किन को रखना है। माशाल्लाह रश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा रश है, पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा है। आप सुन ही रहे होंगे, वोटिंग भी सुन रहे होंगे, वैसे भी आप देख रहे हैं वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रश है, जिसके बावजूद ये शो हो रहा है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को इतनी ख़ास क्लियर तो नहीं बन सकी, लेकिन जितनी हमसे हो सकी हमने कोशिश की है। तो जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो भी आपको दिखाते हैं जी, इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। माशाल्लाह अब इस राउंड में बकरों को खुला छोड़ दिया गया है। अब जो बकरे खूबसूरती के मैार पे पूरे नहीं उतरेंगे उनको इससे निकाल दिया जाएगा। मतलब खूबसूरत तो सारे जानवर हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, काफ़ी ज़्यादा जानवर हैं जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनको रोका जाएगा, जो बाकी हैं उनको शो में से अलग किया जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं जी कौन कौन से बकरे अलग होते हैं और कौन बनेगा आज चैम्पियन, कौन लेगा पोजीशन। अभी इंतज़ार करना होगा थोड़ा सा। माशाल्लाह ये बड़ा खूबसूरत है जी, माशाल्लाह ये आपको नज़र आ रहा है। जो मुनसिफ साहिबान है वो उन्होंने बकरे जो हैं जो उनके स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतर रहे वो निकलवा रहे हैं, बकरे एक साइड पे करवा रहे हैं। ये आपके सामने है, ये बकरा भी स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर सका। खूबसूरती का जो मुकाबला है इसे ज़्यादा जानवर खूबसूरत हैं इसलिए इसको भी निकाला जा रहा है। ये देखें वो बकरा भी, ये भी निकाल दिया गया है।
ये भी उस मेयार पे पूरा नहीं उतर सका। पब्लिक चूँकि काफ़ी ज़्यादा है, रश बड़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं जितना क्लियर वीडियो बना सकें। ये बकरा भी निकाल दिया गया जी, ये बकरा भी निकाल दिया गया है। अब ये देखते हैं इसका क्या बनता है, ये सिलेक्ट होता है या रिजेक्ट होता है, देखते हैं जी। ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है 2021 का, फैसलाबाद का, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्यूटी कंपटीशन है, इसमें बकरों को खूबसूरती की बुनियाद पे चैम्पियन करार दिया जाएगा। जो बकरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा उसको अव्वल पोजीशन होगी, उससे फिर दूसरे नंबर वाले को दूसरी, और जो तीसरे नंबर पे आएगा वो आपको दिखाते हैं जी। ये चौधरीता मोहम्मद गुज्जर साहब हैं जो ये करवा रहे हैं, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जानवर हैं और मालकों ने बड़ी मेहनत के साथ तैयार किए हुए हैं, ये आपके सामने हैं जी। अब देखते हैं इनमें से सिर्फ इन्होंने चार बकरे सिलेक्ट करने हैं और चारों में से सिर्फ तीन सिलेक्ट होंगे। कौन कौन से सिलेक्ट होते हैं, कौन कौन से रिजेक्ट होते हैं, ये हमें इंतज़ार है। हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं, सारे दोस्तों को ये इंतज़ार है कि कौन सा बकरा ब्यूटी पे पूरा उतरता है। ये देखिए जी इनकी बारी आ गई, अब देखते हैं इनमें से कौन रिजेक्ट होता है, कौन सिलेक्ट होता है। ये बकरे जी रिजेक्ट हो गए हैं, ये बाहर लेके जा रहे हैं, ये ब्यूटी कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं हो सके, ये रिजेक्ट हो गए हैं ये बकरे। अभी आपको दिखाते हैं, ये भी जी रिजेक्ट हुआ है, ये भी रिजेक्ट हो गया है। बकरा बड़ा हैवी था, बड़ा खूबसूरत, हाइट में ये सबसे ज़्यादा ऊपर था, लेकिन जारी बात है कुछ चीज़ें जो खूबसूरती में, खाली हाइट को या वज़न को तो नहीं देखा जाता। ये बकरे सिलेक्ट हुए हैं जी, 2, 3, 4 और 5, ये 5 बकरे सिलेक्ट हुए हैं। इन 5ों में से इनका बड़ा सख्त मुकाबला होगा और इन में से जो 3 पोजीशन होल्डर्स हैं वो निकाले जाएंगे। ये 5 बकरे सारों बकरों में से अलग किए गए हैं, माशाल्लाह जी देखें, बड़ा खूबसूरत प्योर राजनपुरी, माशाल्लाह। आप देखते हैं जी कौन आज का चैम्पियन बनता है, पता चल जाता है। रश काफ़ी ज़्यादा है, वीडियो बनाने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, पब्लिक इतनी ज़्यादा है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये 2 बकरे, तीसरा ये है, 3, चौथा वो लाल डब्बा है आपके सामने, और 5वां वो आगे, वो भी नुकरा है। ये जी 5 बकरे सिलेक्ट हुए हैं, इन 5ों में से अब जजेस साहिबान जो हैं वो देख रहे हैं कि पोजीशन होल्डर्स कौन से होंगे। इनका में से आज वाला जो चैम्पियन होगा आज का, वो भी निकाला जाएगा, दूसरे नंबर वाला चैम्पियन निकालेंगे और तीसरे नंबर वाला भी निकालेंगे। फैसला काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सारे जानवर एक से एक बढ़ के हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये बड़ा खूबसूरत बकरा है जी, बहुत खूबसूरत, मालकों की मेहनत, मालकों का शौक, अल्लाह पाक उनके शौक में बरकत अता फरमाए, बड़े खूबसूरत बकरे हैं। साथ में एक मक्खी चीना भी खड़ा हुआ है। अभी आपको इधर से दिखाते हैं, ये जी मक्खी चीना, ये मक्खी चीना 6 नंबर वाला है, ये भी शामिल है इसमें। आप देखते हैं इनमें से 6 में से 2 को निकाला जाएगा, वो 2 कौन कौन से निकाले जाते हैं पता चल जाता है जी। लो जी मक्खी चीने को आउट कर दिया गया है। ये 3 बकरे सिलेक्ट हुए हैं, इनके साथ एक चौथा बकरा और भी सिलेक्ट होगा, इन तीनों में से और जो चौथा आ रहा है उन चारों में से एक 3 जो है वो आज के विनर होंगे।
अब देखते हैं इनमें से चैंपियन कौन बनता है। माशाल्लाह जी, ये चार बकरे सिलेक्ट हुए हैं, बाकी दो को इस राउंड में सिफारिश कर दिया गया है। अब इन चारों में से तीन जो है वो सिलेक्ट होंगे, इनको अब चलाया जाएगा। चला के आपको दिखाते हैं जी, ये देखें वापस ले आओ। नंबर वन वाला दूसरे नंबर पे इसको चलाया जा रहा है, अभी फैसला नहीं हुआ। अभी मुनसिफ जो है वो अपने पॉइंट्स देख रहे हैं, बकरों को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये सारे आपको मुनसिफ जो हैं, जजेस साहिबान हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं, बकरों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी मुश्किल काम है फैसला करना। ये बकरा देखें, ये भी पहली पोजिशन के लिए लड़ रहा है जी, ये भी पहली पोजीशन के लिए लड़ रहा है। अब देखते हैं किसकी किस्मत में आती है। ये भी पहली पोजीशन के लिए, बड़ा खूबसूरत बड़ा हैवी बकरा है ये। फैसला होने में चंद घड़ियाँ बाकी हैं, बकरों को बकरों के साथ लगाया जा रहा है ताकि फैसला करने में आसानी हो। इनमें से सिर्फ तीन को पोजीशन मिलेगी, एक जो है तीन को पोजीशनें मिलेगी, अव्वल दोम और सोम आने वाले को इनाम दिया जाएगा और चौथे को निकाल दिया जाएगा। ये देखें जी नाज़रीन, देख लें जी चारों बकरे साइड बाय साइड खड़े कर दिए गए हैं। जजेस साहिबान जो हैं वो चेकिंग कर रहे हैं, पॉइंट्स देख रहे हैं। पॉइंट्स को देखने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा कि कौन आज का सुल्तान है, कौन अव्वल नंबर पे आने वाला है, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे पे और कौन चौथे पे है। मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और सख्त हो चुका है। अभी इस राउंड में से सिर्फ एक बकरे को आउट किया जाएगा। आप देखते हैं ये लाल डब्बा होता है, साथ वाला नुकरा होता है, कौन सा होता है और कौन सा इनमें से सुल्तान बनता है, आज का चैंपियन कौन बनता है, देखते हैं जी। मुनसिफ हज़रात जो हैं वो फैसला करने गए हैं, सब ने अपने अपने पॉइंट्स चेक कर लिए हैं। अभी चंद ही लम्हों में फैसला सुना दिया जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा आज का विनर है, कौन सा दूसरे नंबर पे है, कौन सा तीसरे नंबर पे है, पता चल जाता है। ये बकरे जो हैं ये फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट किए गए हैं माशाल्लाह। अब इन में से ये तीन बकरे सिलेक्ट हुए हैं इन और चौथा लाल डब्बा है, इन में से अव्वल दोम और सोम आने वालों को इनामात दिए जाएंगे, उनको अलग किया जाएगा। लें जी दोस्तों, फैसले की घड़ी आ चुकी है, अभी मुनसिफ साहिबान आ गए हैं, अभी वो फैसला सुनाएंगे, अभी आपको दिखाएँगे जी इनमें से अव्वल नंबर पे आने वाला कौन सा है। अब दोबारा मुनसिफ साहिबान चले गए हैं, एक दफ़ा उन्होंने फिर इनको देखा है पॉइंटों को, क्योंकि फैसला करना काफ़ी मुश्किल था। हर जानवर जिसको देखते थे दूसरे से बढ़ के खूबसूरत नज़र आता था, अभी चंद ही लम्हों में आपको फैसला सुना दिया जाता है जी। रश बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है, अब देखते हैं लाल डब्बे की बारी आती है या नुकरे की बारी आती है। मेरे ख्याल में लाल डब्बा और नुकरा इन दोनों में पहली पोजीशन का मुकाबला, इसमें और लाल डब्बे में पहली पोजीशन का मुकाबला जारी है। अब देखते हैं कौन विनर बनता है। मेरी राय के मुताबिक ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, देखें देखिए अभी पता चल जाता है। इस बकरे को चला के दोबारा देखा जा रहा है, इसको दोबारा चला के देखा जा रहा है। ये वाला भी ले जी दोस्तों, फैसला हो गया है,
ये वाला नुकरा जो है ये पहली पोजीशन जीत चुका है, ये आज का जी सुल्तान बना है, पहले नंबर पे आया। इसका आपको फेस दिखाते हैं, माशाल्लाह प्योर राजनपुरी, बड़ा खूबसूरत, हर लिहाज से पॉइंटों से पूरा। मालिक अल्लाह पाक नसीब करे उनको, बहुत बहुत मुबारक हो। ये जी अव्वल नंबर पे आया है माशाल्लाह। अभी आपको जो सेकंड ये देखें, ये कपड़े का फेस कितना खूबसूरत है, ये पहली पोजीशन पे है। अभी आपको जो ये देखें जी, ये आज का सुल्तान है, आज का विनर है माशाल्लाह, ये पहले नंबर पे आया है। ये जी पहले नंबर वाला, अभी आपको दोस्तों ये पहले नंबर पे आया है। 2021 का जी, ये पहले नंबर वाला माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर है, ये रहीम यार खान से है। अभी आपको दूसरे नंबर वाला दिखाते हैं जी। दूसरे नंबर वाले का सबको इंतज़ार होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें और लाल डब्बे में मुकाबला चल रहा है। तो दूसरे नंबर पे जी अभी आपको दिखाते हैं कौन सा आता है। इसमें शेख वसीम साहब का नुकरा और जो लाल डब्बा है इसके दरमियान मुकाबला चल रहा है। ये आपको पहले नंबर वाला जो आज का सुल्तान है, आज का जो विनर है फर्स्ट पोजीशन वाला, वो दिखा रहे हैं। अब ये बकरा जो है ये वाला माशाल्लाह, इसको जी दूसरी पोजीशन मिली है, ये दूसरे नंबर पे आया है आज के खूबसूरती के मुकाबले में। ये दूसरे नंबर पे चैम्पियन हुआ है जी, सेकंड है। और अभी आपको थर्ड वन दिखाते हैं जी, ये शेख वसीम साहब का लाहौर वाले का, ये तीसरी पोजीशन पे आया है माशाल्लाह। इसको मैं थोड़ा कवर करने की कोशिश करता हूँ, ये जी तीसरे नंबर पे है। दोस्तों ये वीडियो थी, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, और ये पहले वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है, और जो शेख वसीम साहब वाला है वो थर्ड है। ये बात नहीं जी दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।